हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और आज हम आगे कुछ नए रेशियोज करेंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो तक हमने कर लिया था, आज हमारे पास तीन रेशियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो वर्किंग कैपिटल आपने देख रखा है, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल तो आप जानते ही हो। वर्किंग कैपिटल का देखो एक फॉर्मूला तो आपने पहले लिखा था, वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक नया फॉर्मूला बता रहा हूँ वर्किंग कैपिटल का, और ये कैसा है ये भी देखना जरा ध्यान से। एक फॉर्मूला इसका कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है आपका नॉन करंट एसेट्स। देखो एक ये तो हुआ कि आप इसे याद रख लो, इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लो कि कैसे ये बना। ये बैलेंस शीट होती है, इसमें क्या होता है, इधर की साइड होता है आपका शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी। ये होता है आपका वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल जो है वो है इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस है वर्किंग कैपिटल, है ना। और इससे आपको एक बात ये भी पता चलती है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि सीए ज्यादा है सीएल से, तभी वर्किंग कैपिटल निकल रहा है आपका। अब ये मान लो दोनों ही नहीं दिया, मैंने ये बताया फॉर्मूला कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर इसमें से इसको घटा दूं तो इनका डिफरेंस वर्किंग कैपिटल है, तो कैसे है? तो ध्यान से देखो, ये है फॉर्मूला। अगर मैं लिखूं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, सीए माइनस सीएल, तो मतलब सीए बराबर होगा वर्किंग कैपिटल प्लस सीएल। तो मैं सीए की जगह ये लिख सकता हूं, तो मैं इसकी जगह वर्किंग कैपिटल प्लस सीएल लिख सकता हूं। जब इनको आपस में घटाएंगे तो सीएल सीएल कट जाएगा, तो जो इनका डिफरेंस बचा क्या बचा, वो वर्किंग कैपिटल तो बचा। देखो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो वर्किंग कैपिटल बच रहा हो और ऊपर क्या बच रही है दोनों। यानी मैं एक ये नया फॉर्मूला लिख सकता हूँ वर्किंग कैपिटल का, क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स। और ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला सी ए माइनस सी एल तो है, इस फॉर्मूले का भी यूज आ सकता है अभी क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। दूसरा रेशियो है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का मतलब होता है आपका नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। देखो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का भी यही फॉर्मूला है, ऊपर तो आएगा नेट सेल और नीचे क्या आ जाएगा आपका फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब है नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स क्या होता है आप जानते हो। और तीसरा रेशियो आपका नेट एसेट्स बोल लो, नेट एसेट्स बोल लो या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, एक ही बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, इसके दो दो नाम है। और इसका भी फॉर्मूला है आपका नेट सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तीनों रेशियो मैं एक साथ इसलिए कर रहा हूं कि तीनों का लगभग कॉमन सेंस एक जैसा है। देखो नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल, नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, टर्नओवर मतलब होता है सेल, तो सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट्स टर्नओवर, तो नेट सेल अपॉन फिक्स एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर, तो नेट सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो याद रखने के तरीके भी सेम है, ऊपर सेल आएगा और नीचे जो बोला होगा, वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट्स है तो फिक्स एसेट्स, और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है तो कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, क्लियर बात। तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका समझ गए, ऊपर आपका सेल है तीनों में, टर्नओवर जहां लगा सेल आ गया ऊपर, और नीचे जो भी नाम है, तीन नाम होंगे, वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल है आपका, फिक्स एसेट्स में फिक्स एसेट्स है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है ना, इन तीन रेशियो के कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको दो चार, फिर आप कुछ करना घर पे। देखो क्वेश्चन जो इसके हैं आपके, मैं आपको होमवर्क के तौर पे बता दूं, 116 से स्टार्ट है और 133 तक जाएगा, इतने क्वेश्चन है इसके ऊपर पूरे। और स्टार्टिंग तो बहुत सिंपल है, जैसे 116 देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, पेज नंबर 3.118 निकाल लिया। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल दिया हुआ है, और सीए और सीएल दिया है, सीए से सीएल घटाओगे तो वर्किंग कैपिटल आ गया, खत्म क्वेश्चन, कुछ करना है क्या। अगला देखो, देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे चीज ध्यान रखना, कभी कभार मान लो आपको सेल नहीं दिया, सिर्फ सीओजीएस दिया है, और सेल निकालने की कोई पॉसिबिलिटीज आपको दिखी नहीं रही, तो उस केस में आप सीओजीएस को ही सेल मान लोगे, तो सीओजीएस अपॉन वर्किंग कैपिटल। जैसे अगला क्वेश्चन ही है, वहां देखो सीओजीएस दिया है और सीओ सीएल दिया है, कुछ निकाल सकता है क्या, नहीं ना, तो उसी सीओजीएस को ही आप सेल रखना, और सीए में से सेल घटाओगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा, सॉल्व कर देना। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन बात है। 119 देखो जरा, अच्छा क्वेश्चन है 119। देखो क्या क्या दिया हुआ आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है कितना, 15 लाख रुपए।
उसके बाद दिया आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, लिखा ना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो जीपी ऑन सेल है 33 1/3%। इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखा रखा है, इसको सॉल्व करके 1/3 आता है, इस इतने को करोगे तो 100/3 100 का 1/3 आ जाएगा, ये ठीक है ना। उसके बाद दे रखा है आपको कॉस्ट COGS दे रखा है, COGS कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है आपको 20 लाख रुपए। उसके बाद आपको दिया करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है 10 लाख रुपए। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज कितनी दी आपको 2.5 लाख रुपए। ये इंफॉर्मेशन है, हमें क्या निकालना है, तो भाई हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल, है ना। तो देखो वर्किंग कैपिटल तो ये रहा, सीए में से सीएल घटाओगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल तो हमने निकाल लिया, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए माइनस सीएल, सीए आपका 10 लाख और सीएल है आपका 2.5 लाख, तो वर्किंग कैपिटल आ गया 7.5 लाख। इसमें कोई परेशानी, ये ठीक है सबको। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जीपी ऑन सेल कितना है 1/3 है जीपी ऑन सेल, और आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है COGS, तो आप डायरेक्ट COGS को इससे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का वेरिएबल ये है COGS और ये है सेल। तो अगर जीपी ऑन सेल 1/3 है तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट से सेल पे एक बढ़ता था, सेल से कॉस्ट पे क्या होता है आपका एक कम होता है, तो अगर ये 1/3 है तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, पता था मैंने आपको, कॉस्ट से सेल पे इंक्रीज और सेल से कॉस्ट पे जाने पे क्या होगा डिक्रीज, तो कॉस्ट पे कितना होगा 1/2, और ये देखा आपको COGS दे रखा है, तो जीपी कितना हो जाएगा COGS का 1/2, तो COGS आपका 20 लाख, और इसका 1/2 हो गया जीपी, यानी 10 लाख रुपए का जीपी आ गया। तो सेल क्या होगा, सेल होगा COGS प्लस जीपी, तो 30 लाख रुपए का सेल आ गया, निकल गई दोनों चीजें, तो सेल हो गया 30 लाख और ये है 7.5 लाख, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 times। ठीक है, मान लो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट कोई बच्चा भूल जाता है, इसलिए बता दो, अगर आप मान लो कोई बच्चा भूल गया तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सा तरीका, मैथ्स आपने पढ़ी भाई, इसी क्वेश्चन को सामने रखते हो, आपको दिया था जीपी ऑन सेल कितना 1/3 और आपके पास है COGS कितना 20 लाख, यही था ना क्वेश्चन सॉल्व। देखो आपको याद है तो देखो, यहाँ तो शॉर्ट में हो गया, लेकिन मान लो आप ये नहीं याद आपको एग्जाम में, आप भूल गए किसी तरीके से, तो ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, बेसिक मैथ्स कर रहा होगा उससे भी सॉल्व हो जाएगा। देखो जीपी सेल का दिया पर आपके पास कॉस्ट है, तो हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा बस टाइम 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेट कर लेते हैं सेल को एक्स, तो जीपी कितना हो जाएगा एक्स बाई थ्री, कोई दिक्कत, सेल का 1/3 जीपी है, तो सेल को एक्स माना तो एक्स बाई थ्री जीपी हो गया, और आपने पढ़ा है सेल माइनस जीपी इक्वल टू COGS, पढ़ा है ना, तो सेल है एक्स, जीपी एक्स बाई थ्री और COGS आपको दे रखा कितना 20 लाख, सॉल्व कर लो यहाँ से एक्स, तो ये हो जाएगा 2x/3 इक्वल टू 20 लाख, तो यहाँ से जब निकालोगे एक्स तो एक्स की वैल्यू आ गई 30 लाख। एक्स आपने किसको माना था, सेल को, सेल आ गया 30 लाख रुपीज, कोई डाउट है, वही 30 लाख, देखो हमने यहाँ भरा भैया, ऐसे भी निकाल 30 लाख, ऐसे यहाँ भी 30 लाख ही निकला। तो अगर आप इसको ये तरीका नहीं भूल जाते तो आप ये ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, आप ये नॉर्मल मैथ्स का तरीका लगा के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट, और किसी को दिक्कत इसमें, एक और क्वेश्चन देखते जरा। अब देखो जैसे अगला ही क्वेश्चन है 120, ये भी इसी पैटर्न के ऊपर है, 120 नंबर दिया, क्या क्या पहले लिख लेते हैं, देखो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, जीपी ऑन कॉस्ट दिया है, कितना दिया हुआ है 25%, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, तो देखो अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो जीपी ऑन सेल कितना हो जाएगा 1/5, सेल पे एक बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको ग्रॉस प्रॉफिट की बात है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको 5 लाख रुपए। उसके बाद आपको दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए। फिर क्या दिया आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, कितना दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख रुपए। उसके बाद क्या दिया आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना आपका 3 लाख रुपए। उसके बाद आपको दिया फिक्स एसेट्स, इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है और फिक्स एसेट दे रखा है 10 लाख रुपए।
आपको निकालना क्या है, क्योंकि हमें तो मेनली अपने उससे काम से मतलब है ना, हमें निकालना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो नेट सेल चाहिए, एक वर्किंग कैपिटल चाहिए। देखो कोई दिक्कत नहीं है, जीपी सेल का कितना है 1/5, यानी जीपी निकालना होता अगर हमें तो जीपी में क्या करता मैं सेल का 1/5 कर देता तो जीपी आ जाता। लेकिन यहां पे आपको ऑलरेडी जीपी ही दिया हुआ है, जीपी कितना दिया है तो इसकी जगह मैं 500,000 लिख सकता हूं, तो सेल यहां से निकल गया आपका, तो सेल आ गया आपका 2,500,000 रुपए, सेल निकल गया। सेल निकलने में कोई दिक्कत, ठीक है ना। दूसरा क्या चाहिए आपको, वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल का भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि सीएसीएल तो दिया नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला यही बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स एसेट्स। ये देखो ये रहा शेयर्स रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया आपका शेयर होल्डर फंड और ये आपका लॉन्ग टर्म डेट। तो इन तीनों को अगर जोड़ूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा और ये रहा आपका फिक्स एसेट्स। यानी फॉर्मूला क्या होगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट और माइनस फिक्स एसेट्स, सबकी ही वैल्यू आपको गिवन है 10,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 3,00,000 और माइनस कितना था 10,00,000, तो 500,000 रुपये आपका आ गया। ये कोई दिक्कत, तो ये आपका 2,500,000 है और ये आपका 500,000 है, 5 times आ गया आपका आंसर। क्लियर पॉइंट, ठीक है। जरा और देखते हैं कुछ, ये जीपी रेशियो का आपका ना जो डाउट होगा फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो एक ये क्वेश्चन आपका कोई मुश्किल है इसमें, ये तो हो जाएंगे आपके। अब देखो जैसे 125 है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 125 में देखो आपको निकालना फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, 125 फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो पहले दिया गया क्या, पहले देखो तो कैपिटल 125 है ना, फिक्स एसेट्स दे रखा है लेकिन फिक्स एसेट जो देखा तो कॉस्ट पे दिया हुआ है और कितनी दी है कॉस्ट उसकी 7,00,000 रुपए और साथ में दे रखा आपको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,00,000 रुपए का। उसके बाद दिया सीओजीएस नहीं, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया आपको क्रेडिट रिवेन्यू फॉर क्रेडिट सेल दिया है, मतलब क्रेडिट रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा आपको 17,00,000 रुपए और कैश सेल दे रखा है 1,00,000 रुपए। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, वैसे फिर मैं आपको बता दूं, हमें निकालना है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, क्या निकालना है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट सेल अपॉन फिक्स एसेट्स। तो देखो अगर मैं नेट सेल की बात करूं, देखो 17,00,000 का क्रेडिट सेल है, 1,00,000 का कैश सेल है, यानी टोटल सेल आपका कितना हो गया 18 है ना, क्रेडिट और कैश दोनों को जोड़ोगे तभी तो सेल आएगा पूरा। 17 का उधार बेचा, 1 का नगद बेचा, यानी 18,00,000 का बेचा, रिटर्न तो कुछ है नहीं, तो 18,00,000 की सेल हो गई। अब देखो आपके पास फिक्स एसेट डायरेक्ट दे रखा 7,00,000 रुपये लेकिन साथ में लिखा 1,00,000 का उस पर एक्युमुलेटेड डैप है, तो ग्रॉस वैल्यू 7,00,000 है, 1,00,000 का डैप है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई 6,00,000 रुपये। तो बस आप एसेट्स में कभी डैप होगा तो घटा दोगे, 6,00,000 ले जाएगी, तो आंसर कितना आ गया 3। तो कभी भी कोई फिक्स एसेट्स कॉस्ट वैल्यू पे दिया हो और साथ में एक्युमुलेटेड डैप होगा तो आप याद रखना जब उसको काउंट करोगे तो उसमें से डैप को डिडक्ट कर दोगे, ये पॉइंट याद रखना कि कभी भी ऐसे एक्युमुलेटेड डैप साथ में दिया होगा तो ये यहाँ से क्या होगा माइनस हो, कभी भी कैलकुलेशन करोगे तो कोई टॉपिक अगर मिलता है तो वहाँ पे ध्यान रखना इस बात को। ऐसी क्वेश्चन आप कर लोगे आगे अगर किसी में दिक्कत होती है जैसे, और कोई क्वेश्चन, हाँ 101 और देख लेते जरा, 100 ये भी हो जाएगा आपसे, फिक्स एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दे रखा है, क्या निकालना है एक सौ बत्तीस देख लो जरा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें आपको दे रखा है शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है 10,00,000 रुपए, उसके बाद दिया लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखा आपको 20,00,000 रुपए। उसके बाद देखो ये लाइन काम के ध्यान लिखा, जीपी 20% ऑन कॉस्ट, जीपी ऑन कॉस्ट कितना है 20% और उसके बाद लिखा है वर्स 20,00,000, मतलब जीपी दे रखा आपको कितना 20,00,000 रुपीस। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालना है कैपिटल फिक्स नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, क्या निकालना है नेट एसेट्स
टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मुझे एक तो सेल चाहिए और एक दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ के क्या आता है, शोल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकल गया, सीधे निकल देता है, लिख दिया मैंने 30 लाख रुपये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। लिखने की जरूरत है क्या से? वेल फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लेना आप, 30 लाख आ गया। लेकिन सेल कैसे निकलेगा? तो देखो जीपी ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 1/5, तो जीपी ऑन सेल कितना हो जाएगा 1/6। बस जीपी इक्वल टू सेल का 1/6 और जीपी दे रखा आपको 20 लाख रुपए, तो यहां से सेल कितना निकल जाएगा 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है ना। तो 1 करोड़ 20 लाख आपका सेल हो गया और अपॉन 30 लाख ही हो गया, 4 टाइम्स आपका आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत? और तो आप कर सकते हो, जो कोई डाउट होगा तो फिर देख लेंगे। तो कुल मिला के आपको 133 तक करने हैं, ठीक है। कहीं आप लोग ऑनलाइन जो बच्चों आप लोग भी करो 133, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। पेज स्क्रीनशॉट जरूर ले लो आप इस पेजों के, ये पहला पेज है आपका, ये दूसरा पेज है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे जब मैंने करा होगा। 119 दो पेज इसके हो गए, 120 125 132, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं फिर, बाय बाय।